नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे बड़ा एजुकेशनल सिस्टम है। जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी स्थापना हिंदुस्तान के एंशंट हिस्ट्री से मिलती है हमको। नालंदा, तक्षशिला, इन सब विश्वविद्यालयों के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। इनकी प्रक्रिया शुरू होती है कॉलोनियल पीरियड में, 1857, कुछ उसके पहले टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनने गए थे। जैसे जैसे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को उनके फुटप्रिंट को एस्टैब्लिश करने के लिए उनकी जो ज़रूरत बढ़ी, तो पहले यूनिवर्सिटीज़ बने थे बॉम्बे और फिर मद्रास में, उसके बाद कलकत्ता में। फाइनली जाके आज़ादी के पहले 1945 में एक तरह से एक लूज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करके, UGC करके एक बॉडी बनाई गई थी, जिसको आज़ादी के बाद मॉडर्नाइज किया गया और फाइनली आज से 70 साल पहले एक औपचारिक तौर पर उसको मॉडर्नाइज करके UGC की स्थापना की गई थी। 2 साल के बाद उसकी उसको एक तरह से लेजिस्लेटिव पावर दिया गया और UGC एक्ट पास हुआ, जो 1956 में जाके हुआ। तो 70 साल एक तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से आज़ाद हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सरकार ने चलाया है। पिछले 9 सालों से, 2014 से टू बी प्रिसाइज, एकेडमिक फ्रीडम और विश्वविद्यालयों की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को लेके बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। लगभग ऐसी स्थिति है कि जैसे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल फ्रीडम बिल्कुल क्राइसिस में है। तो हम आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही वरिष्ठ एजुकेशनिस्ट और जो टीचर्स की जो मूवमेंट है उनकी एक बहुत बड़ी स्तंभ नंदिता नारायण, उनसे हम बात करेंगे। नंदिता नारायण जी, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिता जी का एक छोटा सा एक पर्सनल भी इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। 40 साल सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद इन्होंने हाल ही में रिटायर किया है। हम आज उनके घर में हैं, जहाँ से ये अभी पैकिंग चल रहा है, जहाँ से ये शिफ्ट करके अपने घर में यहाँ से निकल जाएंगी। 40 साल एक कॉलेज में पढ़ा के और साथ ही टीचर्स मूवमेंट को खड़ा करके एक मजबूती लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो नंदिता जी, आपके बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है, एक आम धारणा है लोगों के मन में कि जो साइंस और जो मैथमेटिक्स के टीचर, इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप एक तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में टीचर्स मूवमेंट की एक तरह से स्तंभ रही हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप कई बार उसके डूटा के प्रेसिडेंट रही हैं और हमेशा, अभी हाल में भी आपने एकेडमिक फ्रीडम के मुद्दे पे सेमिनार में एड्रेस किया था, जिसको काफ़ी कवरेज मिली थी। हम भी सुनने के लिए गए थे, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी थी। तभी हम तलाश रहे थे कि कोई मौका आए इतिहास के पन्ने में, कोई मौका आए तो हमको सही एक पन्ना मिल गया कि UGC का गठन तो एक तरह से हायर एजुकेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए। सवाल ये है कि हम सब बोलते हैं कि हायर एजुकेशन एकेडमिक फ्रीडम क्राइसिस में है, लेकिन अगर इसको समझने की कोशिश करें, जो इसके प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं वो कैसे समझेंगे, उनके लिए कुछ समझाने के लिए मुझे बताएं। जी देखिए, ऐसा है कि कुछ सालों से, सिर्फ इस नई सरकार के आने की बात नहीं, पिछली सरकार पहले भी, ये एक ट्रेंड रहा है हमारे देश में। और इसके कई वजह हैं, बाहर से भी प्रेशर है, विदेश के संस्थाओं से, जो वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO में जो GATS ट्रीटी थी, इन संस्थाओं द्वारा पूरी दुनिया में एक प्रेशर है कि सरकारें एजुकेशन और हायर एजुकेशन से फंड्स विड्रॉ करें और मार्केट प्लेस में दे दें। एजुकेशन और हेल्थ के लिए
ये पूरा कम, कम सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ कम से हो, इन्वेस्टमेंट कम ताकि मार्केट हैंडल करे, क्योंकि एक अनलिमिटेड प्राइवेटाइजेशन, अनलिमिटेड प्रॉफिट का जरिया भी तो है, तो फिर एलीट के लिए वो बिल्कुल बन जाएगा। एजुकेशन और हेल्थ में हम देख रहे हैं कि लगातार कोशिश ये है कि सरकार कटौती करे सरकार अपनी ग्रांट में। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हुआ, बहुत देशों में हुआ है, जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत था, जहाँ पे ज़मीनी मूवमेंट्स थी, स्टूडेंट्स के मूवमेंट्स थी और मूवमेंट्स थी, वहाँ पे ये कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, रुका। लेकिन कई जगह अमेरिका इंक्लूडेड, वहाँ पे काफ़ी हद तक कटौती हुई पब्लिक फंडेड फंड्स में और प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से आया। लेकिन हमारे देश में भी ये पिछली सरकारों के टाइम से चल रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस काफ़ी थी और इस वजह से उतना सक्सेसफुल नहीं था। 6 बिल आए थे पार्लियामेंट में, वो फिर मतलब विड्रॉ कर लिए गए, कपिल सिब्बल के ज़माने में आए थे। उसके बाद दैट वाज 2009-10, उसके बाद फिर कई और इस तरह के कानून बनाने की कोशिश की गई थी, उसके पहले से भी चल रहा था। लेकिन ये सरकार जब आई उसके बाद वही चीज़ें, पहले तो उन्होंने कोई मदद, जब ऑपोजिशन में थे तो हमारी मदद करते थे, फिर जब पावर में आ गए तो एक ऐसी स्कीम उन्होंने विड्रॉ तो की ज़रूर, जो एक ज़बरदस्ती थोपी गई थी हमारे ऊपर फॉयर प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो नई सरकार ने विड्रॉ कर लिया, हमारी मदद की विड्रॉ करने में। लेकिन उसके बाद दोबारा से ले आए वो सारी चीज़ें जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, नई सरकार भी उनको फॉलो कर जो यूपीए के हाँ, में एक जो तरीके आप से क्या है कि सरकारें बन जाती हैं जरिए, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सम लार्जर फोर्सेज, इंटरनेशनल फोर्सेज, कि वो पुश थ्रू करें इन चेंजेस को पूरी दुनिया में। ये लोग सिर्फ एक इम्प्लीमेंट करने के तौर से आते हैं सरकारें, और उनको क्या इंसेंटिव है वो मिलते होंगे, इंसेंटिव्स मिलते हैं, और इसके इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको रेजिस्टेंस को क्रश करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, जैसे यूरोप में बहुत सारे देशों में, बहुत जर्मनी में, फ्रांस में ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रहा है, तो वहाँ पर इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया जी। लेकिन कई देशों में हुआ है, और हमारे यहाँ इसको क्रश करने के लिए ये सरकार के पास कोई मतलब ऐसे टूल्स हैं कम्युनलाइजेशन के, और भी लोगों को बांटने के, आपस में लड़वाने के, और बहुत ब्रूटल तरीके से क्रश करने के रेजिस्टेंस के, वो सक्सेसफुल, ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, जो पिछली सरकार यूपीए सरकार नहीं कर पाई। मेरे को एक चीज़ और कई बार लंबे समय से महसूस हो रहा है, एक तो हमने देखा है कि 80 के दशक से, जब से हमारा जो जनरेशन, हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे अराउंड द सेम टाइम जब आप फैकल्टी पोजीशंस आप करने लगी थी, तो हमने देखा है कि मीडिया में एजुकेशन सेक्टर का कवरेज जो है डिक्लाइनिंग रहा है, धीरे धीरे सीनियर्स ना रिपोर्ट करके जूनियर मोस्ट को दिया जाता है, करते इस तरह की एक ट्रेंड रही है कि जिसको कहते हैं कि डंपिंग डाउन ऑफ द एजुकेशनल बीट हमको मीडिया में देखने को मिला है। ये तो मतलब मैं जस्ट आपको एक जानकारी दे रहा था हमारे पेशे के बारे में, लेकिन अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि एजुकेशन को थ्रेट, एकेडमिक फ्रीडम को थ्रेट, तो यूपीए के इस पीरियड में भी था, लेकिन एक जो बेसिक फ़र्क है, यूपीए की सरकार ने जिस तरह से थ्रेटन किया और एनडीए सरकार जिस तरह से कर रही है, कि ये वाली जो सरकार है आज की, ये ज़्यादा पॉलिटिकल आइडियोलॉजिक ड्रिवन ज़्यादा है, इसके पीछे एक सोचा समझा मेजॉरिटेरियन आइडिया की भी बैकिंग है, क्या ये मेरा फॉर्मूलेशन सही है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार में ये न्यूलिबरल पॉलिसीज़ तो वो लोग फॉलो कर रहे थे, जो लिबरलाइजेशन के यूजीसी को बंद करने के, वो पूरा वही यूजीसी AICTE ये सब गैट्स ट्रीटी से निकल के आया था। हाँ, गैट्स ट्रीटी से ही निकल के आया था, सब 90s में जो लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस, मनमोहन सिंह आर्किटेक्ट ऑफ यू नो लिबरलाइजेशन, नरसिम्हा राव इनको हीरो, आज की सरकार की वन ऑफ द बिगेस्ट हीरोज इज नरसिम्हा राव। अब जैसे कि ग्रांट कट का सिस्टम शुरू हो गया था, और एक ज़माने में हमारे वाइस चांसलर ने रिज़ाइन भी किया था, उपेंद्र बख्शी ने, और इनकी कई जो पॉलिसीज़ थी कि हायर एजुकेशन फॉर एग्जांपल में फंड्स काटे जाएं, उसको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, दे शुड, इट शुड पे फॉर इटसेल्फ, तो इन मुद्दों पे हमें सपोर्ट यूज टू कम फ्रॉम टू एरियाज, वन इज़ द लीडरशिप ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इटसेल्फ। प्रोफेसर आर मेहती देसाई स्ट्रॉन्गली अपोज दिस एंड सेड नो, एजुकेशन has to continue to be a state responsibility, and you know that this is the best poverty alleviation program we have, right. is to be able to give free or at least subsidized higher education.
और क्योंकि इसमें कहीं लीकेजेस नहीं होते हैं, सीधे जो तनख्वाह मतलब जो ग्रांट होती है वो टीचर्स की सैलरी अकाउंट में चला जाता है, तो बीच में जो लीकेजेस होते हैं और प्रोग्राम में नहीं होते हैं। और ये तरीका है कि हिंदुस्तान में लोग एम्पावर होके, नागरिक एम्पावर होके अपनी तकदीर बदल पड़े और पॉवर्टी एलिविएशन की तरफ और डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये तब उस ज़माने में UGC चेयरपर्सन्स, नीपा के चेयरपर्सन्स, हमारे वाइस चांसलर्स, ये लोग इस तरह के स्टैंड ले पाते थे। लेकिन उसके बाद जो अपॉइंट हुए हैं वाइस चांसलर्स, वो इस एजेंडे के साथ अपॉइंट हुए हैं, सिर्फ इस सरकार ने नहीं किया, पिछली सरकार ने भी किया, इस एजेंडे के साथ आए हैं कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए आपको वाइस चांसलर बनाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में एकदम बुलडोजिंग करके ये एक के बाद एक सेमेस्टर सिस्टम, फॉयर प्रोग्राम और इस तरह के लगातार चेंजेस लाते गए, और अगर कोई डिसेंट होता था उसको क्रश कर दिया जाता था, लोगों को शो कॉज नोटिस मिलता था, तरह तरह के इस तरह से विक्टिमाइजेशन भी चल रहा था। लेकिन जिस तरह का आप आज के ज़माने में देख रहे हैं कि मीडिया आपको कवरेज नहीं देता बिल्कुल, आप को मतलब जेलों में भी डाल, मेन स्ट्रीम मीडिया बात अलग है, हाँ, लेकिन आप भी इंडिपेंडेंट मीडिया, लेकिन आप लोगों को भी किस तरह से किन सर्कमस्टांसेस में फंक्शन करना पड़ रहा है, पहले हम लोग ऐसा कभी भी नहीं सुनते थे, और अपनी बात रखने की वजह से किसी को जेल में नहीं भेजा जाता था। तो आज जो हो गया है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोई भी लोग, लॉयर्स मतलब जर्नलिस्ट तो हैं ही, सब अटैक में हैं, और UAPA जैसे लॉज को मिसयूज़ किया जा रहा है, तो एक एटमोसफियर ऑफ फियर जो अब हो गया है, और उसके साथ साथ एक कम्युनलाइजेशन जो है, ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ताकि जो सही मुद्दे हैं उनके उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा अगर इतनी महंगी हो जाएगी, जब सरकार सब्सिडी ग्रांट नहीं देगी और प्राइवेटाइजेशन आएगा, तो जाहिर है ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जी। उसी के साथ साथ जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी ये लोग लाए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले भी पॉलिसीज हुई हैं 2020 में जो आया, 20 में आया है कि कोई भी स्टडी नहीं किया गया, कोई साइट नहीं किया गया कि इतनी मीटिंग्स हमारी हुई, इतने सर्वेज हमारे हुए, ये फीडबैक आया, ये रिपोर्ट्स हैं, इनके बेसिस पे जो ज़रूरतें हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों की हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम ये चेंजेस ला रहे हैं। कुछ नहीं, एक कमेटी थी, कमेटी ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, बस, देर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी ऑफ दोज रिकमेंडेशन। उनमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बहुत अच्छे लिख दिए हैं, लेकिन जो प्रोविजंस हैं वो एकदम प्राइवेटाइजेशन, टोटल एक्सक्लूजन ऑफ स्पेशली ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शंस, एंड कंप्लीट डमिंग डाउन, इनफॉर्मलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, विच इज़ नॉट द आंसर टू द ग्रेट नीड फॉर एजुकेशन, द ग्रेट नीड फॉर फॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि ये इनफॉर्मल और डिजिटलाइज्ड एजुकेशन जो हमने देखा 2 साल पैंडेमिक में, उसमें इतनी बर्बादी हुई ऑनलाइन, हाँ, वो टीचिंग लर्निंग बिल्कुल ही नहीं हो पाई, मतलब लर्निंग आउटकम्स और ऑलमोस्ट जीरो, एंड वी सॉ इट, वी हैव एविडेंस, बिकॉज हम लोग तो देख रहे थे कि 2 साल बाद जो बच्चे आए दे न्यू नथिंग, एग्जाम्स वर अनमॉनिटर्ड, दे वर जस्ट कॉपिंग। सो इवन इफ यू हैव डिवाइसेज, अगर आपके पास लैपटॉप भी है, और जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, एक्सेस का सवाल खत्म हो गया, तो उसके बाद जो एक्सेस था भी उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसमें हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एजुकेशन एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है, कि आप एक स्क्रीन के सामने बैठ के वो एजुकेशन, वो डायलॉग, जो कम्युनिटी लर्निंग होती है, वो सब नहीं हो सकता है। तो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है बाय जस्ट अ डिजिटल कम्युनिकेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंगेज एंड द होल क्लास, देयर इज अ पियर लर्निंग, एंड देन देयर इज अ कम्युनिटी फीलिंग, यू नो, एजुकेशन इज नॉट जस्ट लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, एक दूसरे से सीखते हैं, फिर और तरह से इंगेज करते हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ में जो डाइवर्सिटी आती है अलग अलग स्टेट से, रीजन से, रिलीजन से, वो एक दूसरे के संग इंटरेक्ट करके सबसे बड़ा लर्निंग प्रोसेस वही होता है। बॉन्डिंग नहीं होती है, सिर्फ आइडेंटिटी के बेसिस पे दूर दराज किसी और बैठे हुए इंसान से आपकी सर्टन एफिनिटी बन जाती है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी और उनकी आइडेंटिटी सेम है, यही एक तरह से हो रहा है। मतलब वो अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम यू लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, यू नो, कैंपस में, किसी भी कैंपस में जो रहा है या फिर पढ़ाई किया है, अगर हॉस्टल में ना भी रहा है तो उनको पता है कि एक तरह से पूरा का पूरा मंथन, मतलब एक मिक्सी में डाल के सबकी चर्निंग होती है और सब
एक कॉमन एलिमेंट बन के निकलते हमारे देश में एक ये यूनिक कैरेक्टर है जो हर जगह नहीं मिलता है। हमें रेडीमेड डाइवर्सिटी है और इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और जहाँ जहाँ पे हम इसको हम कर पाएँ, हम अपने फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्टल्स में, मैं डीन थी एक ज़माने में, तो मैं एक पॉइंट बनाती थी कि मैं कभी भी सेम सब्जेक्ट, सेम स्टेट, सेम रिलीजन के लोगों को एक साथ एक कमरे में नहीं रखूंगी। उनको डाइवर्सिटी का एक्सपीरियंस तभी होगा फर्स्ट टाइम जब उनको रहना पड़ेगा एक साथ। तो ये जो है वो अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चेंजेस आए हैं, एक तो आप इतना जो सेग्रीगेशन हो जा रहा है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, अब वो तो सोसाइटी से ही इकोनॉमिक यू नो स्टेटस के हिसाब से, तो वही चीज हो रहा है कि खांचों में लोगों को बांट दें तो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं होगा, कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं बनेंगे। इसमें क्या हुआ है कि हाल में इन्होंने बहुत ज़्यादा, और क्योंकि जिस तरह से बहुत ही नेगेटिव चेंजेस हमारी एजुकेशन पॉलिसी में आई हैं, तो जाहिर है विरोध भी होगा, लेकिन विरोध को क्रश करने के इनके कई तरीके हैं। एक तो जो पूरा चेंज आ रहा है उसमें आप स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल बाहर रख रहे हैं, टीचर्स का कोई से ही नहीं है अब ना सिलेबस बनाने में हमारा योगदान होता है, मतलब हम कुछ रखते भी हैं तो वो उसको चेंज कर दिया जाता है, या यूजीसी से बन के आते हैं कहते हैं आप इसमें 30% बदल लो, या अगर हम करते हैं कुछ चेंज तो वहाँ पे एक ख़ास तौर का एक राइट विंग वो एक उन्होंने बना रखा है गैदरिंग, मतलब भर दिए ऐसे लोग उन्होंने कुछ कमिटीज़ में जो कहेंगे कि हम कास्ट वर्ड नहीं यूज़ होने देंगे, जेंडर वर्ड यूज़ होने नहीं देंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज़ नहीं होने देंगे, जबकि ये एरियाज ऑफ स्टडी इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं, डिस्क्रिमिनेशन इज़ एन एरिया ऑफ स्टडी इन इकोनॉमिक्स, कहते हैं हम ये वर्ड नहीं यूज़ करने देंगे आपको, कोई लॉजिक नहीं है। तो चाहे आपके कमिटी ऑफ कोर्सेज कुछ भी कहें, चाहे आपका फैकल्टी का डिसीजन कुछ भी हो, डिपार्टमेंट का डिसीजन कुछ भी हो, लेकिन ये जो एक मतलब ज़बरदस्ती वाली बात है कि हम ये चलने नहीं देंगे और इन ऑथर्स को बाहर करो, कुछ दलित वेमेन राइटर्स हैं उनको बाहर करो, हम ये देख रहे हैं कि जो एकेडमिक फ्रीडम की हम बात करते हैं उसमें सबसे पहला अटैक, मतलब जिस फॉर्म में देखने को आता है, एक तो सिलेबस पे कंट्रोल फैकल्टी के हाथ से वो पावर चला गया कि बच्चों को स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना चाहिए। दूसरी जो चीज़ एक और है कि एक्सटर्नल एजेंसी सेंसरशिप कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट ही कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही देखिए आज से, मतलब बीजेपी की सरकार आने के पहले 2007-8-9 में उस पीरियड में भी एक्सटर्नल फोर्सेज आरएसएस की तरफ से, आरएसएस लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने, अब जैसे आपके एके रामानुजन के ऐसे में रामायण 1000 रामायण उसके ऊपर किया था कि रामायण जैसी कहानी में इतनी डाइवर्सिटी है, उस सारे डाइवर्सिटी को एलिमिनेट करके एक रामायण होगी। ये तो पहले शुरू हो गया था, संघ परिवार की राजनीति थी एकदम। और उसके बाद आप देखेंगे कि सेमिनार्स में किस तरह के, कॉलेजेस में किस तरह के स्पीकर्स आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स डिस्कस हो सकते हैं, इन सब पे इनका जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एबीवीपी, वो वायलेंस थ्रेटन करके बंद करवा देता है। तो प्रिंसिपल्स कहते हैं कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ये प्लीज़ आप टॉपिक मत रखिए, इन स्पीकर्स को मत बुलाइए। हाल में हमारे एक प्रोफेसर तक को की टॉक कैंसिल कर दी गई, प्रोफेसर मनोज झा की, है ना, प्रोफेसर पूर्वानंद की टॉक वहाँ कैंसिल कर दी गई, वहाँ पे गए थे ये एक दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी हमारी, और पैलेस्टाइन पे उसका एक लेक्चर दिया था हिस्ट्री हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में, तो उसका बोला कि आपने जो भाषण दिया उसके लिए आप माफी मांगिए। तो ये हालत, मतलब प्रोफेसर विनायक ने नहीं मांगी माफी और वो बोले कि मैं मतलब अडिग हूँ, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, वो असत्य नहीं है। तो रामजस में तो वायलेंस हो गई थी 2017 में, उसके बाद कोई आप इस तरह का नाटक करने की कोशिश करें या पब्लिक मीटिंग तो वो लोग पहुंच जाते हैं, अब उनकी जरूरत भी नहीं, पुलिस खुद हम लोगों को, ये बिल्कुल कॉमन प्लेस हो गई है। मुझे याद है कि मतलब हम लोग तब कोई यूनिवर्सिटी और जर्नलिज्म के बीच की जो ट्रांजिटरी पीरियड में, उस समय एक रामजस कॉलेज में आपने नाम लिया तो मुझे को याद आ गया, एक दिलीप सिमियन केस आया था, उसकी चर्चा सालों तक होती रही। आजकल तो मतलब दिन कुछ दिन भी नहीं चर्चा होती है, क्योंकि बिल्कुल रूटीन हो गया है इस तरह के हमले होना। हम लोग, आप लोग ने ये भी देखा कि हम लोग अगर बात करें कि किस किस तरह के एकेडमिक फ्रीडम को कर्टेल करने की कोशिश हो रही, तो सेंसरशिप, सिलेबस और जो मीटिंग्स की जो एडमिशन प्रोसेस से ही काफी प्रॉब्लम हो गया, जो उसके बारे में आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, तो ये भी एकदम थोपा गया हमारे ऊपर। ये दिल्ली, मतलब जैसे कि एक
ओवरनाइट ये डिसीजन था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कमेटी बना दी सिर्फ प्रिंसिपल्स की और ये कहा कि आपको करना ही करना इसी साल से ही करना है। आपके 12वीं तक का एग्ज़ाम एकदम इरेलीवेंट हो गया, मतलब रिजल्ट 100% वेटेज इसको दिया जाएगा और इसमें पूरा वेटेज है, बेस है ये CBSE के सिलेबस पे, तो स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस के जो बच्चे जो वो पढ़ रहे थे वो सब उसमें आ नहीं पाए, मतलब। और मैं देख रही हूँ कि मेरे अपने कॉलेज में ना साउथ से कोई बच्चा आया, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जहाँ पे आए थे, ना साउथ से आया, ना बंगाल से एक भी स्टूडेंट नहीं आ पाया, ना नॉर्थ ईस्ट से, मतलब सिर्फ 3 स्टेट्स से जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं यहाँ पे उनसे बच्चे आ पाए। क्यों ये हुआ इज़ नॉट क्लियर कि वाई ओनली दीज 3 स्टेट्स, बट ये भी था कि ये जो स्टेट बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए ज़्यादातर। दूसरा है एक और बहुत बड़ा कि जेंडर जो रेशो था बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया इसमें, क्योंकि एक तो ये जो गर्ल स्टूडेंट्स की मात्रा बहुत कम हो गई है, ऑलमोस्ट 33% लेस देन बिफोर, एंड देर हैव टू बी, यू सी समबडी हैज टू डू अ यू नो डेटा कलेक्शन, द यूनिवर्सिटी शुड बी डूइंग इट। यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, सरकार को परे सेंसस नहीं किया 2021 का अभी तक, और शायद पता नहीं कब होगा भी। ये हमको रिपोर्ट्स पूरी यूनिवर्सिटी से आ रही थी, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक जो फिल्टर था अगेंस्ट रूरल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स और अर्बन पुअर, क्योंकि जो लोग एक कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम से फेमिलियर नहीं थे कि किस तरह से इस टूल को यूज़ करें, ऐसा नहीं कि सब लोगों को पहले से आता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के बच्चे हैं उनको इस तरह से फेमिलियरिटी नहीं होती है, वो देख के डर जाते हैं, वो आके एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं, तो वो एक नेचुरल फिल्टर था। फिर कोचिंग सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी एक फ़िल्टर हो गया। तो दीज फिल्टर्स हैव वर्क्ड इन सच अ वे कि जिसको रियली ज़रूरत है हायर एजुकेशन की उसको नहीं मिल पा रहा है, एक तो ये हो रहा है। फिर डाइवर्सिटी जो मैं अभी बात कर रहे थे वो ख़त्म हो गई, तो एक क्या क्वालिटी आप अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जब वो सिर्फ एक ही टाइप के लोगों से वहाँ पे मिलेंगे। तो ये भी दोस्तों पहले ये CUET से बहुत हमें नुकसान हुआ है, सीट्स भी नहीं भरी जा रही हैं, इट्स वेरी फ्लॉड। अब तक कि आधी हमारे 1/3 सीट्स इन मेनी प्लेसेज आर वेकेंट, तो कब भरे जाएंगे वो कैसे, तो यूनिवर्सिटीज़ विल स्टार्ट डाइंग अगर हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो कोर्सेज इन्होंने बनाए और एकदम ओवरनाइट उन्होंने बनाए, टीचर्स ने जो भी सजेशन रखे थे वो बुलडोज्ड इनटू एक्सेप्टिंग जो भी ऊपर से ये लोग प्रपोज कर रहे थे कि आपको ऐसे ही करना है। सिलेबस इस तरह से बनाया कि बिल्कुल सीक्वेंसिंग उल्टी सीधी कर दी, क्योंकि इन्होंने ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट रखा था, तो उसमें फर्स्ट ईयर के बाद आप छोड़ सकते हैं, आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा सेकेंड ईयर के बाद सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप मतलब कोई चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं रखनी चाहिए हमारे हिसाब से, उन्होंने ज़बरदस्ती रखी कि नहीं नहीं तो वो लोग चले जाएंगे तो फिर क्या सीखेंगे, तो जो एक लॉजिक होता है वन शू साइज डजंट यू नो फिट ऑल, कि जो ऑनर्स करेंगे रिसर्च करेंगे बाद में उनका फाउंडेशन आप धीरे धीरे ले करते हैं, लेकिन जो एक साल के बाद छोड़ के चले जाएंगे उनको आप शॉर्ट टर्म उस तरह से कराएंगे, प्रैक्टिकल तरीके से कराएंगे ताकि वो मार्केट में कुछ लेके जाए। वोकेशनल, हाँ, वोकेशनल स्टडीज ऑफ एन बिकम अ खिचड़ी। वोकेशनल स्टडीज में एक होता है कि मतलब आप किसी भी व्यक्ति का जो 360 डिग्री जो एक विजन होता है वो नहीं होता, बहुत ही सेक्शनल, सिर्फ अपनी जिंदगी कैसे जीना है, अपना गुजारा कैसे करना है, अपने परिवार को किस तरह से मैनेज करना है, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं लोग क्योंकि समाज में औरों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो एकेडमिक फ्रीडम से लिंक्ड ऐसे है कि हम लोगों ने जब ये इतराज़ किया तो वी वर जस्ट ब्रश्ड असाइड इन डिपार्टमेंट आफ्टर डिपार्टमेंट, नहीं हम लोग को तो ऐसे कई जगह तो देश भर में रिपोर्ट्स भी आई हैं कि मतलब फैकल्टी से मतलब सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया नौकरी से, जो टेम्पररी हैं उनको मतलब नहीं, ये तो हमारे यहाँ तो देयर इज अ मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एडहॉक टीचर्स, लोगों को एडहॉक रखा गया फॉर मोर देन 10 ईयर्स, बहुत साल, हाँ, उसके बाद आपको निकाल दिया गया और कार्डर्स भरे गए इस तरह से, मतलब दिस इज व्हाट बिल्कुल पॉलिटिकली लिंक्ड लोगों को भरा गया है तरीके से हो रहा है। और तो एक वन थिंग विच इज़ कनेक्टेड विद एकेडेमिक फ्रीडम इज, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी सर्विस प्रिकेरियस नहीं है तब आपको एक कॉन्फिडेंस होती है कि आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप क्यों बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई नाराज हो जाएगा और फिर आपकी नौकरी चली जाएगी तो आप प्रेफर करेंगे कि आप ना बोलें। सेम चीज़ हमारे पेशे में भी है कि अगर आप पे अटैक्स होते रहें तो आपको लगेगा कि मैं बोलूँगा मेरे रोजमर्रा मेरे आमदनी में मतलब नुकसान होगा,
मेरी नौकरी चली जाएगी तो आप बेहतर है कि ना बोले। 50% टीचर्स तो हमारे पहले से अडॉप्ट थे, तो एक तो वहाँ एकेडमिक फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, फिर जो परमानेंट भी थे तो उनको लगा कि हमारी शायद प्रमोशन रुक जाएगी या पेंशन रुक जाएगी, ये सब चीज़ों का जो एक जो फियर का एटमोसफियर है जो पूरे देश में अभी है, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी है और उसका फॉलोआउट भी कई जगह देखा है। जो आउटस्पोकन लोग थे उनकी प्रमोशन कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं हुई, और जो जिनके खिलाफ कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने 5 साल पहले कोई फेसबुक पोस्ट डाला होगा क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट में भी या शेयर कर दिया, तो उन वो साइट करके उनको निकाला जा रहा है। किसी को क्रिटिसाइज करना किसी भी चीज की, किसी भी संस्था या कानून का क्रिटिक करना इलीगल कैसे हो सकता है, ये कोई नहीं देखता, लेकिन सब चीज को जोड़ दिया जाता है। अगर आप ज़रा से भी अगर आप सवाल उठाएं तो बोल दिया जाता है कि आप राष्ट्र के खिलाफ हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, हम लोग जब बात करते हैं एकेडमिक फ्रीडम की, इसमें एकेडमिक जो इंटरेक्शंस और जो ग्रोथ होता है चाहे फैकल्टी का स्टूडेंट का, एक बहुत बड़ा यू नो इंटरेक्शन होता है फॉरेन एकेडमिक्स के साथ, मतलब वो लोग यहाँ आते हैं हिंदुस्तान के टीचर्स उनके साथ अलग अलग चीज़ों पर इंटरेक्ट करते हैं, तो एक तरह से यू नो जो विज़न है वो एक्सपैंड होता है। लेकिन फॉरेन स्कॉलर्स के लिए वीज़ा इशू करना शुरू हमेशा से थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, लेकिन वो किसी तरह से मैनेज हो जाता था, विजिटर वीज़ा पे आ जाते थे। अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि विजिटर वीज़ा पे कोई अगर आए और ज़रा सा अगर पता चल जाए कोई सेमिनार अटेंड कर दिया गया तो मैं कई केसेस जानता हूँ जिनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, तो इसीलिए लोग कभी हिम्मत नहीं करते दोबारा इंडिया आने की। और बहुत ऐसे विदेश के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा अध्ययन किया है, वो अब हिंदुस्तान आ नहीं सकते हैं। लेकिन अब ये सिलेक्टिव तरीके से हो रहा है, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाँ पे वो सोचते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट माइंडेड स्कॉलर्स जो एमिनेंट स्कॉलर्स हैं वो जो इनके साथ हाँ में हाँ जो हाँ में हाँ मिलाने वाले, लेकिन हाँ मिलाने वाले एमिनेंट नहीं होते हैं ज़्यादातर, तो वो अब क्या हो रहा है, दे आर प्रमोटिंग के ये एक कमर्शलाइजेशन के फॉरेन यूनिवर्सिटीज डजंट मैटर कौन है आके अपने कैंपस सेट करें और वहाँ पे अपना मुनाफा कमाएं और मुनाफा बाहर भी ले जा सकते हैं ये फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो जिसको ये इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं, ये जो पुरानी हमारी जो थिंकिंग थी कि हमारी खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए, पीपल शुड कम, देयर शुड बी इंटरेक्शन, यहाँ से भी लोगों को जाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आके आप अपनी ज़मीन दे के लोगों को सब्सिडाइज रेट पे, बिल्डिंग दे के, स्टूडेंट्स दिलवा के, सब कुछ दिलवा के, मुनाफा बना कमा के वो बाहर ले जा रहे हैं, ये तो पहली दफ़ा हो रहा है। तो इससे क्या हमारी एकेडमिक ग्रोथ हो रही है, हमारी इंडिजिनस ग्रोथ कहाँ हो रही है, और हमारे इतने बेरोज़गार जो बैठे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये जो एक थिंकिंग है कि एक फॉरेन लेबल लग जाएगा, अभी ये लोग शुरू कर रहे हैं कि आप एक सेमेस्टर बाहर की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, ये कल की एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में आया कि एक सेमेस्टर कोई स्टूडेंट कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में जा सकता है, यानी कि अगर कि बाहर जाने से कोई बहुत चार चांद लग जाएंगे आपकी डिग्री में, आई मीन दैट इज़ अ कॉलोनियल माइंडसेट, इट डिपेंड्स ऑन वेयर इट इज़ एंड हु इट इज़, वेदर इट्स गुड और नॉट, बहुत सारे बहुत बेकार यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। तो आप अच्छा किस सेमेस्टर में जाएंगे ये नहीं मालूम, आपका पूरा सिलेबस डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है बड़ा क्रूशल सेमेस्टर हो, उसमें बड़ा फाउंडेशनल कोर्स हो, तो आप अपने स्टूडेंट्स का तो डमिंग डाउन कर रहे हैं। हम लोगों से कहा जाता है कि 5 पीरियड जो हमको मिलते थे एक कोर्स पढ़ाने के लिए पर वीक, उसको आप 3 में पढ़ा दीजिए, तो मनी 40% रिडक्शन ऑफ टीचिंग टाइम, नॉट अ सिंगल टीचर्स बीइंग एबल टू मैनेज, नॉट इवन वन इन आवर एंटायर यूनिवर्सिटी, नो स्टूडेंट्स आर लर्निंग एनीथिंग, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, मतलब सिलेबस आर यू रेसिंग थ्रू इट, नोबडी कैन अंडरस्टैंड, नाम के वास्ते जी होता है, हायर एजुकेशन इज नॉट अ जोक, इट्स अ सीरियस मैटर। इसी तरह की मतलब स्थिति हमको मतलब स्कूल्स के टीचिंग में भी सुनने को मिलती है, जो परिवार में जो मित्रों में जिनके बच्चे स्कूल्स में हैं वो भी बताते कि किस रफ्तार से टीचर्स पढ़ाते हैं। हमारा वर्कलोड जब एकेडमिक कोर्सेज से नहीं बन रहा है तो देन वी आर फोर्स टू टीच द कोर्सेज लाइक वैल्यू एडेड कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज विच आर डिजाइन समवेयर एल्स, वी आर नॉट डिजाइनिंग देम, वी कुड डिजाइन सम वेरी नाइस कोर्सेज बट हम नहीं डिजाइन कर, कहीं से आ रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वैदिक मैथमेटिक्स, यू नो एंड वेरियस अदर थिंग्स, डेजर्ट कैसे बनाना है, नाउ आई दैट इज नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बट आई एम फोर्स टू टीच इट सो दैट आई कैन रिटेन माई जॉब। तो टीचर्स फाइंड दैट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, स्टूडेंट्स फाइंड दैट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, आउट ऑफ 7 courses पर सेमेस्टर विच इज़ ह्यूज बाई एनी स्टैंडर्ड, ओनली 3 आर द कोर एकेडेमिक कोर्सेज, बाकी सब ये सब आप कर रहे हैं, तो यू नो इट होल थिंग इज बिकमिंग अ वेरी अनप्रोडक्टिव एक्सरसाइज एंड एनी थिंग एनी डिसीजन इज टेकन वेरी लाइटली। नाउ दे आर सेइंग कि एक डिग्री ए वाली करो,
कल पास हुआ है और साथ साथ आप एक ऑनलाइन डिग्री और ऑनलाइन डिग्री पर ये तो कर नहीं पा रहे हैं बच्चे. नोबडी इज फॉलोइंग एनीथिंग. अटेंडेंस इज ड्रॉपिंग बिकॉज स्टूडेंट्स आर गेटिंग डीमोटिवेटेड. ये तो कर नहीं पा रहे हैं और वो आप कहते हैं एक और साथ साथ कर लो ऑनलाइन डिग्री. दो डिग्रीज एक साथ. डिग्री पेपर पे एग्जिस्ट करने के लिए आप ले लीजिए, एक्वायर कर लीजिए. अगर आप कोर्स में भर्ती होंगे और पैसे का मतलब आपको पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा तो मुनाफा होगा, किसी और को फायदा होगा. तो एक तरह से पूरी तरह से कमर्शियली रन ट्रिविलाइजेशन, ट्रिविलाइजिंग द होल आइडिया ऑफ एजुकेशन. की एजुकेशन इज नॉट जस्ट कलेक्टिंग डिग्रीज. आई मीन द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग एंड बीइंग क्रिटिकली अवेयर ऑफ व्हाट इज एवर इज अराउंड यू, वो सब तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया. आपने नंदिता जी बहुत मतलब पेशेंटली हम लोगों को ये चीज़ों को समझाया. बहुत ही जटिल प्रोसेस है. बहुत दुख की बात है कि हम लोग मतलब एक तरह से लैंडमार्क एनिवर्सरी है कि 70 साल हो गए. 1953 में सरकार ने सोचा था कि हायर एजुकेशन को और अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन कराने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाई गई. उसके बाद लगा कि अब इसको पार्लियामेंट्री मतलब इसका कानून में इसका दर्जा होना चाहिए. तो फिर पार्लियामेंट ने कानून पास किया. डेवलपमेंट्स होती रहीं लेकिन पिछले 15-20 सालों से खासतौर से लिबरलाइजेशन के बाद में देख रहे हैं हम लोग के कांस्टेंट डिक्लाइन. एकेडमिक फ्रीडम और हायर एजुकेशन की स्थिति हिंदुस्तान में बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है. लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से और मुद्दों पर राजनीतिक प्रोटेस्ट हों, एजुकेशन को भी उसका एक इंटीग्रल हिस्सा बना के उसको जोड़ के उसके बारे में भी लोग और जो राजनीतिक दल हैं खासतौर से जो अपोजिशन के हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं. हमारे लिए वक्त निकालने के लिए नंदिता जी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. सत्यजीत रे की एक फिल्म थी 1980 के दशक के शुरुआत के दिनों में, हीरक राजा देशे. उसमें जो हमारे जो दो प्रोटैगनिस्ट थे गोपी और बागा, जिनको कुछ डिवाइन पावर मिले थे संगीत का, वो एक ऐसे किंगडम में जाते हैं, ऐसे राज्य में जाते हैं जहाँ पे एक डेस्पॉट राजा है और वो एक दिन सारे स्कूल बंद कर देता है. और जब ऑर्डर होता है वो ये कि सारे स्कूल बंद करो. क्यों बंद करो? क्योंकि अगर लोग स्कूल जाएंगे तो लोग ज़्यादा जानेंगे, लोग अगर ज़्यादा जान जाएंगे तो वो कम मानेंगे, सत्ता पक्ष की बातों को कम मानेंगे. तो एजुकेशन को अगर वीकेंड किया जा रहा है तो सरकार उस वक्त की जो भी हो वो अपने खिलाफ किसी भी तरह प्रोटेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए ही करती है. इस बात को ध्यान रखिएगा. इसलिए अगर लगे कभी भी एजुकेशन के मुद्दे पे कोई आवाज़ उठ रही है तो उसका प्लीज़ समर्थन करिएगा. नमस्कार.